30। सर मैंने आपको मैथमेटिक्स के नोट भेजे हैं। सब लोग ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन 20 को, एमटीजी बुक ओपन करो पेज नंबर 68। देखो द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ हार्ट्स, अरे ऑफ हार्ट्स बोला है, तो यहाँ 12 कार्ड नहीं आएंगे, 4 ही कार्ड आएंगे। ठीक है, ये जो मैंने कल बताया, ये जो किंग की बुक से है, ये हार्ट के 4 आएंगे, सॉरी 3 आएंगे, फिर हार्ट डायमंड आपको याद है, फिर क्लब, ये जो 4 नाम हम देते हैं, हार्ट डायमंड क्लब एंड स्पेड, फिर से वो दिखा देता हूं आपको प्रोबेबिलिटी का, वो जो 4 टाइप के हमारे पास सूट रहते हैं 13-13 कार्ड्स के, तो उसमें केक्यूजे 3-3 रहते हैं। फिलहाल देखो तो 13 हार्ट्स, 13 डायमंड, 13 क्लब एंड 13 स्पेड, उसमें 3-3 कार्ड्स इसके रहते हैं, किंग क्वीन एंड जैक। यहाँ पे भी 3 कार्ड रहेंगे, किंग क्वीन जैक, इसमें भी किंग क्वीन जैक और इसमें भी किंग क्वीन और जैक। तो हमें क्वेश्चन में बताया है कि क्वेश्चन नंबर 20, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ हार्ट्स आर रिमूव्ड, बस ये 3 पत्ते रिमूव कर दिए, 3 कार्ड रिमूव कर दिए, हार्ट वाले केक्यूजे, हार्ट वाले ये 3 केक्यूजे रिमूव कर दिए, तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स रहते हैं, उसमें से हार्ट का किंग क्वीन और जैक ये 3 कार्ड रिमूव कर दिए, तो टोटल हमारे पास अभी 49 कार्ड्स बचेंगे। ठीक है, इसको प्रॉपरली हम स्लाइड पे लिखते हैं, सी। लेकिन कल मैंने बोलते वक्त बताया, मैंने क्वेश्चन प्रॉपरली रीड नहीं किया, मैंने बोला था कि हार्ट के 3, डायमंड के 3, क्लब के 3, किंग क्वीन जैक और स्पेड के 3, ऐसे टोटल 12 अगर रिमूव करेंगे तो टोटल 40 बचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि ओनली किंग क्वीन एंड जैक ऑफ हार्ट्स, ऑफ हार्ट्स मतलब ये जो हार्ट वाला सिंबल है इसके ही वो 3 कार्ड्स रिमूव कर दिए, तो हम ऐसा बोलेंगे देयरफॉर टोटल कार्ड्स, टोटल कार्ड्स अभी रहेंगे टोटल 52 में से ये 3 हार्ट वाले किंग क्वीन जैक ये 3 रिमूव कर दो, तो टोटल कार्ड्स रहेंगे 49 कार्ड्स। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे कट कर दिया तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है कि ओनली किंग क्वीन जैक ऑफ हार्ट्स, इसके ही हार्ट वाले ही हमें 3 निकालने, रिमूव करने हैं, सबके 3-3 नहीं निकालने हैं, तो 49 कार्ड्स टोटल कार्ड्स अवेलेबल है। अभी अगला लाइन, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड वेल शफल्ड, वेल शफल्ड मतलब वो पीस लिए पत्ते, पता है ना, तो वेल शफल्ड उसको बोलते हैं। One card is selected from the remaining cards and find the probability of 10 of heart. 10 of heart. तो heart में heart वाले हर एक इसके 13-13 कार्ड रहते, तो heart जो है ये सिंबल heart का, तो इसके जो 13 cards है वो रहेंगे एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे अभी किंग क्वीन जैक नहीं रहेगा क्योंकि वो रिमूव कर दिया, तो उन्होंने बोला कि ये जो 10 ऑफ हार्ट है वो आने का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 ऑफ हार्ट्स, हार्ट का 10 मिलने का प्रोबेबिलिटी, तो 10 ऑफ हार्ट के कितने कार्ड्स है, एक ही कार्ड है, सो 1,
फेवरेबल अपॉन टोटल कार्ड्स कितने बचे हैं 49 दैट्स ऑल दिस इज द आंसर 1/49 व्हिच इज ऑप्शन डी समझ में आया सबको सर लेट अस राइट मतलब क्वेश्चन हां एडवांस टेस्ट में आपने कार्ड्स का क्वेश्चन डाला है एडवांस टेस्ट में कार्ड का क्वेश्चन डाला है हाँ सर आपने बुक में से क्वेश्चन ढूंढे ये टेस्ट एडवांस टेस्ट है तो थोड़े एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन है थोड़े से टफ क्वेश्चन है डायरेक्ट एमटीजी से नहीं है सर मैंने ऑब्जर्व किया है आप जो पहले पहले एग्जाम डालते हो ना मतलब इसके पहले की एग्जाम थी ना मैथ की उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लेवल 1 लेवल 2 से डाले थे हां सर मैंने भी ऑब्जर्व किया वहां पे चेक किए वहां पे मुझे चेक करना था कि जो क्लास में हुए क्वेश्चन है वो तो उसमें कितने स्टूडेंट सिंसियरली आउट ऑफ लाते हैं वो चेक करना था अभी सारे क्लास वाले क्वेश्चन नहीं रहेंगे अभी एडवांस फाउंडेशन थोड़े से बाहर वाले भी रहेंगे ओके ऑलरेडी पेपर सेट कर चुका हूँ मैं एंड द क्वेश्चंस आर नॉट फ्रॉम एमटीजी सर वर्क डन पेज पर डन नो सर नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स तो टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 ओके और हमें पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग ब्लैक किंग वाले कितने कार्ड्स आएंगे टू किंग के टोटल चार कार्ड रहते हैं रेड में दो और ब्लैक में दो तो ब्लैक किंग के दो कार्ड रहेंगे है ना टोटल पूरे 52 कार्ड में चार किंग रहेंगे एक हार्ट वाला किंग एक डायमंड वाला किंग एक क्लब वाला किंग एक स्पेड किंग और रेड वाले ये दो रहते हैं और ब्लैक वाले ये दोनों हमें पूछा है कि ब्लैक किंग तो दो कार्ड रहेंगे ब्लैक किंग के एंड देयरफॉर वी कैन से प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2/52 दैट इज 1/26 ऑप्शन बी समझ में आया सबको यस सर ओके यस सर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 22 सॉल्व किया है सर लेट अस राइट लिखो फास्ट हो गया सर सर पहले लिखा सर क्वेश्चन 23 देखो सोनी हैज डिजिट कार्ड्स 1, 4, and 7 सो सर सारे कार्ड्स के ही क्वेश्चन 1, 4, 7 ऐसे उसके पास तीन कार्ड्स है कार्ड ऐसे एक कार्ड पे 1 लिखा है दूसरे कार्ड पे 4 लिखा है जस्ट अ मिनट मैं चार्जिंग लगाता हूँ
सोनी हैज डिजिट कार्ड्स 1, 4 एंड 7. तो दूसरा कार्ड उसके ऊपर 4 लिखा है, तीसरा कार्ड उसके ऊपर 7 लिखा है. ऐसे उसके 7 कार्ड्स है. श्रेया ओके. तो अभी हमें पूछा गया सी मेक्स 2-digit नंबर्स यूजिंग ईच कार्ड ओनली वंस. अभी इससे हम 2-digit नंबर बना सकते हैं. उसके पास टोटल 3-digit के 3 कार्ड्स हैं. तो 2-digit नंबर हम कौन कौन सा बना सकते हैं? एक 1 और 4 का यूज करके 14, बाद में 47, बाद में 17. और एक कार्ड एक ही बार यूज करना है, दो दो बार नहीं, है ना. सो 2-digit नंबर्स यूजिंग ईच कार्ड ओनली वंस, एक बार ही. तो 1 का कार्ड और 4 का कार्ड, ये दो यूज करके 2-digit नंबर हमें मिल गया. तो आप देख सकते हैं कि ऐसे हमें 3 नंबर्स मिल सकते हैं, है ना. एक 1-4, एक 1-7, एक 4-7. ऐसे टोटल 2-digit नंबर जो है वो 3 नंबर्स मिल सकते हैं. ऑल राइट. नाउ अभी लाइट चला गया. चार्जिंग पे लगाया, लाइट चला गया. द प्रोबेबिलिटी दैट अ 2-digit नंबर चोजन एट रैंडम इज डिविजिबल बाय 2. प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है. तो टोटल टू डिजिट नंबर्स हमें मिले 3. उसमें से नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 14 है, बस ये एक ही है. सो देयरफॉर हम बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/3, है ना. एक ही नंबर 2 से डिविजिबल है, वो फेवरेबल में आएगा, और टोटल नंबर्स है 3. सो आंसर इज 1/3. समझ में आया सबको? लिखो. सो 2-digit वाले टोटल 3 नंबर बने, और उसमें से डिविजिबल बाय 2 एक ही नंबर है 14. तो प्रोबेबिलिटी आएगा 1/3. सर लेट अस राइट राइट डाउन. सबको समझा कि नहीं? यस सर. सर.